बीच में एक नया मेहमान, नया बाबा का बच्चे आए हुए, जन्म अभी अभी हुआ उनका। मैंने कहा चलो आपको इंट्रोड्यूस भी करूं, परिचय भी कराऊं। बाबा के बच्चे बने हुए हैं, प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, सर्जन है, ऑपरेशन करते तो सर्जन है, अपने MS से मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, डॉक्टर महेश गुप्ता। आपका कोर्स पिटूर से ही हुआ था और आप जो है शिवानी बहन के फैन हैं, तो बहुत अच्छा अपना प्रोफेशनल में इस समय मेडिकल कॉलेज में छोड़ी है रामा मेडिकल कॉलेज में। तो मैं 2 मिनट उनको सामने बुलाना भी चाहूँगा और 2 मिनट उनका अनुभव आपके सामने रखना चाहूँगा। थोड़ा सा आपको ताली बजा कर तो जो मेरा ऑपरेशन थिएटर का माहौल होता था वो हमेशा ये होता था कि
डॉक्टर राजू का सभी एवरीबॉडीज ऑफ द क्रूज पता नहीं कब कौन सी चीज गड़बड़ होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लोग ब्लास्ट करते हैं। और पिछले दो महीने से मेरा ओटी स्टाफ को भी लग रहा है कि सर में क्या चेंज आ गया, कोई परेशानी नहीं हॉस्पिटल, कोई परेशानी नहीं होती के अंदर, किसी मरीज में कभी कोई थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग गया तो कोई प्रॉब्लम, पहले तो ये था कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो ओटी स्टाफ विल बी फाइन। तो गृहस्थी में शांति, अपने ऑपरेशन में शांति, हर वातावरण में शांति, और उसका कारण है सुबह उठ के मेडिटेशन और दूसरा जो मुर्गी है उसमें, उसके साथ साथ 24 घंटा अगर मैं रात में भी सो रहा हूं तो मैं ये अनुभव कर रहा हूं रात में भी अब यही ख्याल आता है कि पवित्रता, प्यार, शांति और क्या, ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमारी आत्मा के प्योर संस्कार, और अगर हमने प्योरिटी पकड़ ली, प्योरिटी अपने जीवन में ले आए तो प्यार, शांति, ज्ञान ये आना ही है। अगर प्योरिटी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो हमारा जीवन ही नहीं। और मुझे लगता है शुक्र बाबा जो ये अकल आ गई, वरना पूरा पूरा जीवन निकल जाता है। लोग 70 साल की उम्र में शरीर छोड़ते हैं, 80 साल में शरीर छोड़ते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हमको इतने कष्ट हुए, ये सब पुराने संस्कार। और शायद भगवान ने बहुत कृपा रखी जो हमको एनलाइटन किया कि जीवन इस तरह से जिया जाता है, उस तरह से नहीं जो हमने जिया। बहुत सुंदर, थैंक यू, नाइस, बड़ा अच्छा लगा। सबने अपने दिल के अनुभव सुनाया। अभी अभी 2 दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन किया हमारे बहन जी का, एक सरेंडर दीदी का, वो बहुत बड़ा 2-3 कांटे थे शरीर में। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, बोले मैं रोज 10 ऑपरेशन करता हूँ। तो हमने कहा ये कैसे होता है कि चाकू लेके काटते ही रहते हैं क्या 10 बार? वास्तव इतना बड़ा ऑपरेशन था, 1 घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ। हम लोग भी ऑपरेशन थिएटर में गए थे, सारे सारे समझाया, 1 घंटे के बाद ऑपरेशन हुआ और 1.5 घंटे के बाद वो एकदम बोलने लगे और दूसरे दिन खड़े हो गए, 3 घंटा दूसरे दिन चलने लगे। उनका बड़ा बाबा का एक ज्ञान कितना स्पष्ट है, बाबा के साथ रख करके सारा काम करते हैं, बड़ा सुंदर अनुभव है। और